इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। वैसे तो बुरहानपुर में ऐतिहासिक इमारतों का खजाना है, पर रूहानी सुकून की तलाश हमें इस खूबसूरत दरगाह में ले आई है। बुरहानपुर से 2 किलोमीटर दूर लोधीपुरा गांव में स्थित संगमरमर से बनी दरगाहे हकीमी, इसकी पवित्रता आपको जरूर आकर्षित करेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जो दाऊदी बोहरा मुसलमानों के लिए बेहद खास है। ये है सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब की मजार। यहां दुनिया भर से हर समुदाय के लोग आते हैं, सजदा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर शुक्राना अदा करते हैं। सैयदी अब्दुल कादिर दाऊदी बोहरा समाज के गुरु थे। सन 1730 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया था। कहते हैं कि औरंगजेब ने पहले अपमान करने के इरादे से उनका शरीर कब्र से निकलवा दिया था, पर उनके नूरानी चेहरे को देखकर उनको वापस पुरानी कब्र के पास ही दफनाने का आदेश दिया। हकीमुद्दीन साहब एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने कई नए विचारों पर काम किया। इसमें अहम था कि समुदाय के सभी परिवारों से छोटी सी रकम लेना और फिर इस रकम का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना। यही दस्तूर आगे चलकर इस समुदाय का फाउंडिंग प्रिंसिपल बना, जिसे लोग आज भी शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं। इसे कहा जाता है सबिलुल खैर वल बरकत। हकीमुद्दीन साहब के साथ इस दरगाह में सैयदी शेख जीवन जी और अब्दुल तैयब जकीउद्दीन की भी कब्र है, जो दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु थे। दरगाह का परिसर 125 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ की सारी इमारतें सफेद संगमरमर से बनाई गई हैं। परिसर के पश्चिम में एक मस्जिद भी है। यहाँ मौजूद सारे स्मारकों के गोल गुंबद और महीन नक्काशी इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित हैं। इन खूबसूरत फव्वारों में बहता पानी यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाता है और यहाँ के ये रंग बिरंगे बगीचे इस दरगाह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। सद्भावना और समानता के भाव के साथ शुरू हुए समुदाय में एक साथ बैठकर खाने पर काफी जोर दिया जाता है। इस थाली में वो सब कुछ है जो एक बैलेंस्ड डाइट के लिए जरूरी है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल तो है ही और साथ में है ताजे कटे हुए फल, अंकुरित अनाज और ठंडी ठंडी आइसक्रीम। सोच ये है कि खाना सिर्फ लोगों का पेट ही ना भरे बल्कि उनके स्वास्थ्य में इजाफा भी करे। दरगाह ए हकीमी में लाखों भक्त हर साल आते हैं और उनके लिए यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। ना सिर्फ रहने की अच्छी जगह बल्कि यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन का भी अच्छा इंतजाम है। सफेद संगमरमर से बनी इस दरगाह हकीमी में जब आप आएंगे तो यहाँ की सादगी
यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की रूहानियत आपके दिल को छू लेगी। ये जगह इतनी साफ है कि यहाँ के लोकल्स इसे छोटा अमरीका कहते हैं। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं वो भी बिना पासपोर्ट के, तो फिर बुरहानपुर के इस दरगाह हकीमी का दीदार जरूर कीजिएगा।